बंद पड़े कारखाने, चारों तरफ पसरा गहरा सन्नाटा, हर तरफ बंद होती फैक्ट्रीज और ऑफिसेज, ये तस्वीरें आपका दिल दहला रही होंगी। आज भले ही आप अमेरिका को दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के तौर पर देखते हो, लेकिन 1920 के दशक के अंतिम कुछ साल और चुप्पी बहाल करती 30s की तस्वीरें उस वक्त को बयां कर रही है जब अमेरिका अपने रोरिंग 20s को खामोश होते देख रहा था। इस वक्त अमेरिका में एक नए शब्द का जन्म हुआ, ग्रेट डिप्रेशन। जी हाँ, ये वही ग्रेट डिप्रेशन है जिसकी वजह से अमेरिका और कई बाकी देश पूरी तरह से 100 साल पीछे चले गए थे। अमेरिका में तो स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि फ्री कॉफी और डोनट्स के लिए लोग घंटों कतार में लगे रहते। सरकारी और म्युनिसिपल कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन समय तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। चारों तरफ थी बदहाली और डिस्पैरिटी। आखिर क्या था ये ग्रेट डिप्रेशन जिसने इतिहास का रुख बदल दिया और अमेरिका जैसे देश की कमर तोड़ दी? In the 1920s, the great American word was prosperity. Now the 30s have begun and there is a new word, depression. What were the primary causes of the depression, as we called it? सन 1910, ब्रिटेन दुनिया का सुपर पावर था। आधी दुनिया पर यूरोप के ही कुछ देशों का राज था और अमेरिका लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बनकर उभर रही थी। सब सही चल रहा था और तभी 28 जुलाई 1914 को यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया ने अपने राजकुमार की बोस्निया में हत्या का शक सर्बिया पर जताया और पड़ोसी देश सर्बिया पर अटैक कर दिया। सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी से बहुत छोटा था, इसलिए युद्ध में उनकी ओर से लड़ने के लिए उसने रूस से मदद मांगी। रूस, जर्मनी, इटली जैसे देशों के इस युद्ध में शामिल होने के अपने निजी कारण थे और जिसमें एक देश के साथ दूसरे देश की संधि भी शामिल थी। जब बड़े बड़े देश युद्ध में शामिल हुए तो उससे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जब सारा यूरोप इस युद्ध में शामिल हो गया तो वहाँ का प्रोडक्शन रुक जाने के कारण उनकी इकोनॉमी नीचे गिरने लगी, जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ा और यूरोप के गुलाम देशों को न चाहते हुए भी विश्व युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा, जिसका असर उनके यहाँ की इकोनॉमी पर भी पड़ा। अब यूरोप को फूड मटेरियल्स एंड ग्रेन्स और हथियारों की जरूरत थी जो वो खुद नहीं बना पा रहे थे और इसी का फायदा उठाया अमेरिका ने। अमेरिका ने खाना, सामान और हथियार अपने देश में बनाने शुरू किए और यूरोप में भेजने लगे। अमेरिका में नई नई फैक्ट्रीज खुलने लगी, लोगों के पास रोजगार आने लगा और देश की इकोनॉमी बढ़ने लगी। अमेरिका का टोटल एक्सपोर्ट जो 1913 में 2.4 बिलियन का था, वो 1917 में 6.2 बिलियन का हो गया था। अमेरिका के अमीर लोगों ने इस युद्ध में अच्छा लाभ कमाया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज के मुनाफे तो लगभग 10 गुना बढ़ गए थे। अमेरिकन इंडस्ट्रीज और सरकार ने तभी समझ लिया था कि वॉर एक बड़े मुनाफे का धंधा है और इसलिए उन्होंने नए नए हथियारों का काम और तेज कर दिया। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो पूरा यूरोप तबाह हो गया, मगर तब तक अमेरिका हर तरह से मजबूत हो चुका था और इसलिए उसने युद्ध में बर्बाद हुए देशों को लोन देना भी शुरू कर दिया और उनसे बदले में अपने पास सोना गिरवी रखने लगा। अमेरिका में अब सबके पास रोजगार था, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुलने लगी, बड़े बड़े लोग वहाँ आकर इन्वेस्ट करने लगे। जब लोगों की जेब में पैसा आने लगा तो वो मार्केट से सामान खरीदने लगे और उसी वक्त अमेरिका ने नई कार, सड़कें, घर के सामान और उन सबको खरीदने के लिए लोन देने के लिए नए नए बैंक भी खुलने लगे। अमेरिका का विकास बड़ी तेजी से हो रहा था, हर सेक्टर में क्रांति आ गई थी और इसलिए ही 1920 को मॉडर्न एरा की शुरुआत भी कहते हैं। 1920 से अमेरिका का रोरिंग 20s का दौर शुरू हो चुका था। लोगों की जेब में पैसा आ गया था तो वो नए नए सामान खरीदने लगे और जिससे मार्केट में चीजों की मांग बढ़ने लगी। जब कंपनीज बड़ी होने लगी तो उनके शेयर्स भी बढ़ने लगे और लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने लगे। इसी वक्त में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। लोगों के जीवन में ऑटोमोबाइल, टेलीफोन, फिल्म, रेडियो और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। लोगों को सामान खरीदने और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बैंक लोन देने लगे और जल्दी ही बैंक्स की संख्या भी बढ़ गई। 1929 आते आते अमेरिका में 17,583 स्टेट बैंक और 8,150 नेशनल बैंक खुल चुके थे और आज जो EMI सिस्टम है वो भी अमेरिका में उन्हीं दिनों शुरू हुआ था। साल 1923 में अमेरिका का शेयर मार्केट चढ़ना शुरू हुआ और चढ़ता ही चला गया। स्टॉक मार्केट हर साल पैसा डबल कर रहा था और इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा उसमें लगाने लगे। लोग अपना घर गिरवी रखकर या बैंक और स्टॉक ब्रोकर से लोन लेकर भी उसमें पैसा लगाने लगे। सब सही चल रहा था, मगर 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन में मार्केट में से लगभग $5 अरब का सफाया हो गया, जिसका कारण था ओवर प्रोडक्शन। नाउ बाजार में चीजें ज्यादा थी और बायर्स कम,
इसका सीधा असर इन प्रोडक्शन कंपनीज के स्टॉक्स के बेनिफिट्स पर पड़ा। कंपनीज अब घाटे का रुख कर रही थी। अगले दिन भी मार्केट में गिरावट जारी रही और 29 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 14 अरब डॉलर्स का नुकसान हो गया। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ठीक 93 साल पहले यानी 29 अक्टूबर 1929 के दिन इस ग्रेट डिप्रेशन का जन्म हुआ, जब अमेरिकी शेयर मार्केट में एक साथ करीब 1,60,00,000 शेयर्स अचानक बिक गए। अब अमेरिका में बदहाली आने लगी। ग्रेट डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल आम हुआ। सबके अंदेशे यही थे कि स्टॉक मार्केट के अंधाधुंध दौड़ में मंदी के चलते अमेरिका बर्बाद होने के कगार पर आ गया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। 8 मार्च 1929 को पॉल वॉरबर्ग, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया कि अमेरिकी शेयर मार्केट अब एक सट्टा बाजार बनता जा रहा है और इसके खतरनाक रिजल्ट्स हो सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स बिना नियम कानून के किसी एक शेयर में ज्यादा पैसा लगाकर उसकी कीमत बढ़ा देते हैं और फिर अचानक सारे शेयर्स बेचकर उसकी कीमत गिरा देते हैं। इससे स्टॉक ब्रोकर्स को तो डबल फायदा हो रहा है और जनता को डबल नुकसान। मगर देन प्रेसिडेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते और फेडरल रिजर्व को भी ये बात समझ आई तो उसने भी सरकार को ये बात बताई। अब जब फेडरल रिजर्व बैंक ने ये बात कही तो लोग डर गए और अपने अपने शेयर्स बेचने लगे, जिससे शेयर मार्केट गिरने लगा। मगर तभी अमेरिकन नेशनल बैंक ने मार्केट में एक साथ 25 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे मार्केट ऊपर जाने लगा और लोगों ने फिर से शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। आम लोगों को और सरकार को अभी तक भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब स्टॉक ब्रोकर्स और बैंक्स की मिलीभगत है और वो अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे हैं। इधर जून 1929 आते आते लोगों की कमाई रुक सी गई और इसी वक्त बैंक्स ने लोन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाकर 4% से 6% कर दी। इसका असर ये हुआ कि लोगों ने लोन लेना कम कर दिया और इससे उनकी बाइंग कैपेसिटी भी कम हो गई। 22 अक्टूबर 1929 को शेयर मार्केट में पहली बड़ी गिरावट आई और 24 अक्टूबर को मार्केट एक साथ 11% गिर गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब लोग अपने शेयर्स बेचने के लिए वॉल स्ट्रीट पहुंच गए और वहां बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। थोड़े दिन बाद जब बहुत सारे बैंक्स और बड़े बिजनेसेस के निवेश से शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर उठा, तब भी लोगों ने शेयर्स बेचना जारी रखा क्योंकि अब उनका विश्वास उठ चुका था। फिर अक्टूबर नवंबर 1929 के वक्त जब लोगों की इनकम कम होने लगी तो बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर्स को डर लगने लगा कि लोग उनका लोन कैसे चुकाएंगे। इसलिए उन्होंने लोगों पर जल्दी से जल्दी लोन लौटाने का दबाव बनाना शुरू किया। कुछ लोग तो अपने शेयर्स बेचकर ये कर पा रहे थे, पर ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में घाटे का सौदा ही कर रहे थे और इसलिए वो लोन नहीं चुका पाए। धीरे धीरे जब बैंक्स को उनका पैसा वापस नहीं मिला तो वो घाटे में जाने लगे और दिवालिया हो गए। ये देखकर जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा करवाए थे वो बैंक से अपने पैसे निकालने लगे, पर जब बैंक के पास पैसे थे ही नहीं तो वो देते क्या। अब लोन देने वाले लेने वालों के साथ साथ वो लोग भी बर्बाद हो गए जिन्होंने बैंक्स में अपने पैसे जमा करवा रखे थे। अमेरिका में अब ज्यादातर लोगों के पास पैसा था ही नहीं। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं रहा तो वो कुछ भी खरीदने की हालत में नहीं थे और इसी का असर किसानों पर भी पड़ा। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो यूरोपियन कंट्रीज को अनाज की जरूरत थी। ऐसे वक्त पर अमेरिका के किसानों ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम उठाए, जैसे नई नई मशीनें लेना, जमीनें खरीदना और जमीनें किराए पर लेना। इन दिस कोर्स ऑफ एक्शन किसानों को खूब मुनाफा भी हुआ और वो अमीर भी हुए। मगर जब युद्ध खत्म हुआ तो अनाज की मांग कम होने लगी, मगर किसानों ने प्रोडक्शन अभी भी जारी रखा क्योंकि अब लोग उनसे कम कीमत में अनाज खरीद रहे थे और किसान अपना खर्चा निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज बेचना चाह रहे थे। 1929 आते आते जब लोगों की जेब में पैसा खत्म होने लगा तो फिर किसान कैसे बच सकते थे, और इसलिए वो भी अब सड़कों पर आ गए। एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था और दूसरी तरफ बेरोजगारी में भी उतनी ही तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। बेरोजगारी बढ़ने से लोगों, विशेषकर मजदूरों की कमाई में बहुत कमी आ गई। कारखानों में मजदूरों की छटनी शुरू हो गई और तैयार माल को कीमत कम करके बेचने की कोशिश होने लगी, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस की स्पीड और तेज हो गई। अमेरिका ने जब ये देखा तो अपने किसानों और बिजनेस को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे कि अमेरिका में बना सामान ज्यादा बिक सके। मगर अमेरिका के साथ साथ दूसरे देश भी अपनी इकोनॉमी सही करना चाहते थे और युद्ध के बाद सभी देश आत्मनिर्भर बनकर खुद को इस युद्ध में हुई बर्बादी से उभारने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को देखते हुए दूसरे देशों ने भी बाहरी देशों से आने वाले माल पर हायर टैक्स लगाए
एंड विदेशों से आने वाले सामान की मात्रा तय कर दी। हर जगह विदेशी चीजों की जगह स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाने लगा। इमिग्रेशन कंट्रोल से संबंधित नए नए कानून लागू कर दिए गए। अब इसका असर ये हुआ कि इंटरनेशनल बिजनेस पहले की तुलना में काफी कम हो गया। अब इसका भी सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ा जो युद्ध में बर्बाद हो गए थे और अभी लोन लौटाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वही ठप पड़ चुका था। साथ ही जब अमेरिका की हालत बिगड़ने लगी तो वो अपने कर्जदार देशों से अपना पैसा वापस मांगने लगे, पर जिनके पास खाने को पैसा नहीं था वो लोन कहां से चुकाते। जब युद्ध के समय अमेरिका ने इन देशों को लोन दिया था तो लोन के बदले में उन देशों से सोना लिया था और अपने पास रख लिया था। ज्यादातर युद्ध में शामिल देशों को लोन देने के कारण धीरे धीरे विश्व का 60% सोना अमेरिका में जमा हो गया। इससे दुनिया में सोने की कमी हो गई और अलग अलग जगह पर सोने के सिक्कों की कीमत बढ़ जाने से उन देशों की करेंसी टूट गई। जब अमेरिका को उसका लोन वापस नहीं मिला तो अमेरिका की हालत और खराब हो गई और साथ ही यूरोपियन देशों की भी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि अब ना उनके पास कोई लोन देने वाला था ना ही उनके यहाँ वर्ल्ड वॉर की बर्बादी के बाद कुछ प्रोडक्शन शुरू हुआ था। अब जब अमेरिका की खराब हालत का असर युद्धग्रस्त यूरोपियन कंट्रीज पर हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर भी होने लगा, क्योंकि उस वक्त आधी से ज्यादा दुनिया पर यूरोप के कुछ देशों का ही राज था। यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पर बहुत तरह के प्रभाव देखने को मिले। इकोनॉमिक क्राइसिस का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। 11 मई 1931 को लोगों को पता चला कि ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी बैंक क्रेडिट एनस्टॉल्ट का दिवाला निकलने वाला है। इसका असर ये हुआ कि पूरे यूरोपीय देश घबरा गए और वो ये मानने लगे कि इन राज्यों से अब लोन की वापसी की आशा करना बेकार है। इससे जर्मनी ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि वहाँ बैंक कारोबार पहले ही खराब दौर से गुजर रहा था। उस वक्त ऑस्ट्रिया की सरकार ने लोगों को सांत्वना देने के लिए एक नोटिस निकालकर यहां तक कह दिया कि बैंक की सभी फॉरेन ऑब्लिगेशंस की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेती है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बढ़ चुका था कि सरकार के आश्वासन के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। जर्मनी में तो लोगों में इतना डर बैठ गया था कि केवल 3 सप्ताह में फॉरेन कैपिटलिस्ट ने जर्मन बैंक से 5 करोड़ पाउंड्स का अपना जमा लोन वापस निकाल लिया। इसका असर जर्मन बिजनेसमैन पर भी पड़ा और वे भी अपने देश की सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डार्मस्टेयर और नेशनल बैंक डार्मस्टैट से किसी न किसी बहाने से बड़ी तादाद में अपना जमा पैसा निकालने लगे। जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो बैंक को ही बंद कर देना पड़ा। इसके बाद सरकार ने स्थिति को देखते हुए रीच बैंक के अलावा दूसरे सभी बैंक्स को अनिश्चित वक्त के लिए बंद कर दिया। बैंक्स के बंद होते ही मंदी और ज्यादा बढ़ गई, लोगों की हालत और ज्यादा खराब होने लगी और इसका सबसे ज्यादा असर हुआ मिडिल क्लास लोगों पर। महामंदी की वजह से जर्मनी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। 1929 में जर्मनी के लगभग 60 लाख लोगों की नौकरी चली गई। इस महामंदी का असर जर्मनी की पॉलिटिक्स पर भी पड़ा, जिसके चलते जर्मनी के सत्ताधारी लोगों की इमेज खराब हुई। तो नाजी पार्टी के नेता अडोल्फ हिटलर ने इसका फायदा उठाया और खुद को गवर्नमेंट घोषित कर दिया। जर्मनी में आई इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ही नाजिज्म ने जर्मनी पर अपना शासन जमा लिया था। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में बैंक्स के फेल हो जाने का प्रभाव ब्रिटेन पर भी पड़ा और वहाँ भी लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना पैसा निकालने लगे, क्योंकि लोगों को अब बैंक्स में विश्वास नहीं रहा था। जब जुलाई 1931 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति डामाडोल होने लगी तो तब अगस्त में उसने अमेरिका और फ्रांसीसी बैंक से 5 करोड़ पाउंड्स का लोन लेकर खुद को बचाए रखा। मगर इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लोगों का विश्वास उठ चुका था और इसलिए वो लगातार अपना पैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालते ही रहे। इस इकोनॉमिक क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने इस्तीफा दे दिया और ऑपोजिशन पार्टीज को अपने साथ लेकर एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई। लेकिन लोगों का भरोसा वापस नहीं आया और केवल 18 सितंबर 1931 के दिन 1,80,00,000 पाउंड्स बैंक से वापस ले लिया गया। परेशान होकर जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड स्टैंडर्ड्स के अनुसार मानने से मना किया तो पाउंड्स की वैल्यू 1/4 कम हो गई। इससे इंग्लैंड को तो फायदा हुआ लेकिन दूसरे यूरोपीय देशों पर ये उल्टा पड़ गया। वहां कीमतों में पहले ही गिरावट चल रही थी, इसके बाद अब और ज्यादा गिरावट आ गई। यूरोप के ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गए और कई और देशों ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे कुछ देशों ने ही गोल्ड स्टैंडर्ड को बनाए रखा। अब यूरोप में पैसों की कमी के कारण फैक्ट्रीज और कारखाने बंद होने लगे, लोग बेरोजगार हो गए। लोगों ने अपना पेट भरने के लिए जमीन, घर और गाड़ियां बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका में तो लोग सब कुछ बेचकर अपनी कार्स में रहने लगे और जिनके पास कार नहीं थी वो झोपड़ियां बनाकर गुजारा करने लगे। अमेरिका में जगह जगह पर ऐसी झोपड़ियां दिखने लगी और जिनको लोग हूवर विले कहते थे,
क्योंकि उनका मानना था कि ये सब जो देश में हो रहा है और उनकी हालत खराब हुई है उसके जिम्मेदार प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ही है। अमेरिका की ज्यादातर जनता जब सड़कों पर आ चुकी थी, लोगों के पास रहने और खाने तक की सुविधा नहीं थी। खाने की कमी के कारण उन्हें कई संस्थानों और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले फ्री सूप और ब्रेड पर अपना गुजारा करना पड़ता था। इसी वक्त 1931 में अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में कई बार रेत के तूफान भी आए, जिससे खेती लायक जमीन पर रेत जमा हो गई और थोड़ी बहुत जो खेती होती थी वो भी बंद हो गई। लोगों को रोजी रोटी के लिए भी दर दर भटकना पड़ा और कई लोगों को अपने गांव घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग में 45% और कंस्ट्रक्शन में 80% तक की भारी गिरावट आ गई, जिसके कारण इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गई और अमेरिका में एक चौथाई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। साल 1933 तक पूरे अमेरिका में बेरोजगारी की दर 25% से भी ज्यादा हो गई थी। रोरिंग 20s के दौर में अमेरिका के बैंक्स ने लोगों को बेहिसाब लोन दिया था। फिर ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बैंक्स ने लोन वसूलने की कोशिश की, मगर लोग लोन चुकाने की हालत में नहीं थे और इसलिए 11,000 से भी ज्यादा बैंक्स को दिवालिया घोषित करना पड़ा। यह महामंदी का असर 10 सालों तक रहा और जिसके कारण पूरी दुनिया में गरीबी और भुखमरी एक अलग स्तर पर पहुंच गई, यानी 1932 और 33 तक दुनिया में महामंदी ने कहर ढा दिया था। ग्रेट डिप्रेशन अपने जोरों पर थी, सभी देश उससे उभरने की कोशिश भी कर रहे थे और मगर अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। जब 1933 में सब लोग मंदी से परेशान थे तो लोगों ने सरकारों के खिलाफ आंदोलन करने शुरू किए। इसका असर ये हुआ कि जब 1933 में अमेरिका में इलेक्शंस हुए तो नए प्रेसिडेंट बने फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका को इस मंदी से उभारने का काम शुरू कर दिया, जिसे न्यू डील प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें उन्होंने बैंक्स, मार्केट और शेयर मार्केट के लिए नियम कानून बनाए, जैसे इमरजेंसी बैंकिंग बिल, द ग्लास स्टीगॉल एक्ट, द फार्म क्रेडिट एक्ट, द नेशनल इंडस्ट्री रिकवरी एक्ट, द ट्रूथ इन सिक्योरिटी एक्ट। ऐसे कई जरूरी बिल पास करके उन्होंने आम लोगों को भरोसा दिलाया कि अब वो बैंक में और शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अब वो सुरक्षित है। लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया और जिनके पास पैसे थे उन्होंने बैंक्स और शेयर मार्केट्स में पैसा लगाना शुरू किया, जिससे शेयर मार्केट फिर से ऊपर उठने लगा। इसके अलावा अमेरिका को हर साल सूखे का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए प्रेसिडेंट ने जगह जगह पेड़ लगाने का अभियान शुरू करवाया, जिसमें कई लोगों को रोजगार भी मिला। अमेरिका की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। अब बैंक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन नहीं देता था और दूसरे लोन भी पूरे कागज देखकर ही देता था, जिससे बैंक्स को नुकसान होने का डर कम हो गया। अमेरिका में फिर से काम चालू होने लगा और 1937 आते आते बेरोजगारी दर कम होकर 14.3% पर आ गई। ये सब चल ही रहा था कि यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और हुआ ये कि जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप को हथियारों और दूसरे सामान की जरूरत पड़ी और इसी का फायदा उठाया अमेरिका ने। उसने अपनी बंद पड़ी फैक्ट्रीज फिर से चालू कर दी और नए नए आधुनिक हथियार बनाकर यूरोप को बेचना शुरू कर दिया। युद्ध के कारण दुनिया में फिर से अनाज की कमी हुई और अमेरिका के किसानों की हालत भी फिर से सुधरने लगी। बाद में 1941 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक अमेरिका फिर से मजबूत हो चुका था और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब अमेरिका मजबूत हुआ तो उसके साथ ही दुनिया से भी महामंदी धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि महामंदी की शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी। ग्रेट डिप्रेशन ने सिर्फ दुनिया का नुकसान ही नहीं किया बल्कि दुनिया को बदल कर रख दिया था। ग्रेट डिप्रेशन के चले जाने के बाद दुनिया में कई तरह के बदलाव आए। द सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट देश था, जिसकी वजह से उसने खुद को पूरी तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम से काट कर अलग कर दिया था। सभी कैपिटलिस्ट देशों ने भी उनसे बिजनेसेस और संबंध खत्म कर लिया। इसका बहुत बड़ा फायदा मिला सोवियत यूनियन को, जिसके कारण वो ग्रेट डिप्रेशन के दौर से खुद को बचाने में कामयाब रहा। इस ग्रेट डिप्रेशन के चलते बड़े बड़े विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि आम लोगों की इस खराब हालत के जिम्मेदार पूरी तरह से उनके कैपिटलिस्ट नेता ही है। देखा जाए तो फेसिज्म को बढ़ावा देने का काम इस मंदी के दौरान ही किया गया। कई सारे देशों के बड़े बड़े दिग्गज नेता तो सत्ता में थे, उन्हें इस महामंदी की वजह से सत्ता से हटा दिया गया। जर्मनी में इस महामंदी की वजह से ही हिटलर ने सत्ता में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। वही जापान में हिदेकी तोजो ने चीन में इलीगल तरीके से घुसपैठ कर मैनचूरिया में खदानों का विकास ये कहकर किया कि इससे ग्रेट डिप्रेशन को काफी हद तक राहत मिल सकेगी। इस महामंदी के चलते लोग भूखे प्यासे दर बदर भटकने लगे, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो गई
और धीरे धीरे ये नफरत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में बदल गई। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए थे। धीरे धीरे जब महामंदी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घोषणा हुई, तब कई सारे देशों जैसे अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका हथियार बनाना चुना। उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जिससे बहुत सारे देशों में हिंसा, सेना बल और ताकत को बढ़ावा मिला। इसी हथियार बनाने के कारण अमेरिका के कई सारे लोगों को नौकरियां भी मिली और वहां के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी कारण से जल्द ही अमेरिका महामंदी के दौर से निकलने में कामयाब रहा और अमेरिका को देखने के बाद कई सारे देशों ने इसी रास्ते से भारी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल लॉ के नियम अनुसार अपने वेस्टर्न कंट्रीज को मजबूत बनाने की योजना चलाई। विश्व युद्ध से बर्बाद हुए देशों को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनका असली मकसद कम्युनिज्म के फैलने को पूरी तरह से रोक देना था और कैपिटलिज्म को बढ़ाना था ताकि अमेरिका उससे अपना बेनिफिट कर सके। इसके लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों को 17 अरब डॉलर्स की मदद दी और इसके बाद अमेरिका की ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जिसको रोक पाना असंभव था। महामंदी का असर भारत पर भी पड़ा। हालांकि भारत उस वक्त ब्रिटिश राज में था, भारत की ज्यादातर जनसंख्या खेती पर निर्भर थी, इसलिए यहाँ पर कच्चे माल का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता था। महामंदी से पहले भारत ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट और तैयार मालों का इम्पोर्ट शुरू कर दिया था। महामंदी के दौर जब इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने लगी तो यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम हो गए। इसका असर ये हुआ कि साल 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट घटकर लगभग आधा रह गया। इस दौरान किसानों और बिजनेसमैन पर दोहरी मार पड़ी। अनाज की कीमतों के निचले स्तर पर चले जाने से उनकी इनकम तो कम हुई ही, साथ ही ब्रिटिश सरकार की तरफ से लगान वसूली में भी कोई छूट नहीं दी गई। सबसे ज्यादा खराब हालत तो उन लोगों की थी जो वर्ल्ड मार्केट के लिए सामान बनाते और बेचते थे। जब बिजनेस ही बंद हो गया तो वो क्या करते। इतना ही नहीं, जब भारत से एक्सपोर्ट घट गया तो पटसन यानी जूट की कीमतें भी 60% से ज्यादा की गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के वे खेतीहर मजदूर जिन्होंने अच्छी कमाई की उम्मीद में कच्चे पटसन की खेती शुरू कर दी थी, वे कर्ज के बोझ से दब गए। कमाई का कोई साधन ना होने के कारण धीरे धीरे उनकी सारी बचत ही खत्म हो गई। उसी दौरान किसान और खेतीहर मजदूरों के साथ साथ दिहाड़ी कामगारों के सामने भी खाने के लाले पड़ गए थे। उनके पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए घर के गहने जेवर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। मार्केट में भारी मात्रा में सोना पहुंचने लगा और ब्रिटिश सरकार ने लोगों की इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने भारत से गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी तो सुधरी लेकिन भारतीय किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। साल 1931 में ग्रेट डिप्रेशन अपने चरम पर थी और भारत के लोग ब्रिटिश शासन होने के कारण बेवजह उससे जूझ रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारत में सभी लोगों पर महामंदी का एक जैसा असर पड़ा था। भारत के शहरों में रहने वाले फिक्स सैलरी कर्मचारियों और उन जमींदारों जिनकी कमाई फिक्स थी, उन पर इस महामंदी का ज्यादा असर नहीं दिखा, क्योंकि कमाई का एक साधन होने के कारण उन्हें दूसरे लोगों की तरह खतरनाक हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। तो 1929 में शुरू हुई महामंदी 10 साल बाद 1939 के आसपास जाकर खत्म हुई और इसलिए इसे आज तक की सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली मंदी कहा जाता है, द ग्रेट डिप्रेशन।